a very good morning my dear students students today in this class we will start our next grammar topic that is the adjective to तो bachcho adjective ko hum describing word bhi kehte hain describing word matlab jo kisi noun ko describe karta hai जो किसी person को thing को describe करता है यानी कि उसके बारे में कुछ बताता है उसकी quality के बारे में वो किस तरह का पर्सन है दैट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और कॉल एडजेक्टिव जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होते हैं उसको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं एडजेक्टिव एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है जैसे मैंने बोला शांति प्रिया इज़ अ गर्ल शांति प्रिया एक लड़की है ठीक है अब वो कैसी लड़की है स्मार्ट गर्ल इंटेलिजेंट गर्ल ब्यूटीफुल गर्ल तो हमने जो स्मार्ट इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल ये जो वर्ड हमने लगाए ये हमारे हो गए एडजेक्टिव लाइक अब आगे देखिए यूके इज़ अ रिच सिटी यूके जो है एक अमीर सिटी है अगर रिच की जगह हम बिग लगा देंगे या वंडरफुल लगा देंगे या फिर इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री यू के इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री लगा देंगे तो हमने जो रिच लगाया ब्यूटीफुल लगाया वंडरफुल लगाया तो ये क्या हुआ हमने नाउन के साथ कंट्री यूके के बारे में कुछ बताया तो वो हो गया हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड अब देखिए हम इसमें से सेंटेंसेस देखते हैं द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल डॉग जो है एक फेथफुल एनिमल है तो यहाँ पर डॉग के बारे में बताया गया डॉग कैसा है फेथफुल तो यहाँ पर फेथफुल क्या हुआ एडजेक्टिव न्यू डेली इज अ बिग सिटी न्यू डेली कैसी सिटी है बिग यानी कि सिटी के बारे में कुछ बताया तो इसीलिए क्या हुआ बिग एक एडजेक्टिव हिपोपटामस इज अ लार्ज एनिमल लार्ज कैसा एनिमल है वो लार्ज एलिफेंट हैव अ लॉन्ग ट्रंक एलिफेंट्स की लंबी सूं होती है एलिफेंट की सूं कैसी होती है अब मैंने बोला एलिफेंट्स हैव ट्रंक ट्रंक सभी एलिफेंट्स की एक ट्रंक होती है सूंड होती है अब कैसी होती है लॉन्ग तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया असीम इज एन इंटेलिजेंट बॉय बॉय असीम जो है एक है एक इंटेलिजेंट जो है कैसा बच्चा है इंटेलिजेंट गोल्ड इज अ कोस्टली मेटल गोल्ड जो है वो एक कोस्टली यानी कि बहुत महंगी मेटल है मिस्टर लक्ष्मी मित्तल इज अ रिच मैन लक्ष्मी मित्तल जो है वो आदमी है मैंने बोला इज़ अ मैन कैसे मैन है रिच मैन इंटेलिजेंट मैन हैंडसम मैन वॉइस मैन ठीक है जेंडरस मैन मतलब मैंने उसके बारे में बहुत सारी क्वालिटीज़ बता दी तो ये हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव मैंगोज आर स्वीट मैंगो कैसे हैं हमारे स्वीट बीरबल वॉज अ वॉइस मैन जो बीरबल था वो एक वॉइस समझदार आदमी था हरिद्वार इज अ होली सिटी हरिद्वार जो एक बहुत ही ज़्यादा होली यानी कि पवित्र शहर है अब एडजेक्टिव के हम काइंट्स करेंगे सबसे पहला हमारा होता है इसमें हमें आपको बता दूँगी एडजेक्टिव कौन से होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव तो ये आपके पास आपके इसमें सिक्स एडजेक्टिव हैं ठीक है तो सबसे पहले हम करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिटी मतलब किसी की क्वालिटी बताना वो सुंदर है मोटा है पतला है लंबा है उसके उसकी क्वालिटीज़ बताना क्वालिटीज़ में उसकी अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है पूरी भी हो सकती हैं ठीक है ना उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दे टेल अस ऑफ व्हाट काइंड पर्सन और थिंग और एनिमल अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन मतलब एक आदमी किस तरह का है कोई चीज़ किस तरह की है ठीक है तो उसका आंसर जो होता है क्वेश्चन ऑफ़ व्हाट काइंड ऑफ किस तरह का जब हमें किस तरह का आंसर मिल जाता है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है जैसे मैंने बोला लाल बहादुर शास्त्री वॉज एन ऑनेस्ट मैन लाल बहादुर शास्त्री जो है एक ईमानदार आदमी था ठीक है ना ही वॉज़ वेरी ऑनेस्ट बहुत ईमानदार थे तो ऑनेस्ट इसमें क्या हुआ किस तरह के थे वो दैट वॉज ऑनेस्ट लाइक ऑनेस्ट लीडर है सॉरी ही वॉज एन ऑनेस्ट लीडर वो बहुत ज़्यादा ईमानदार लीडर थे तो वो किस तरह के लीडर थे ऑनेस्ट हमें इसका आंसर मिल गया ऑनेस्ट मदर गेव शांति प्रिया अ जूसी ऑरेंज ठीक है मम्मा ने शांति प्रिया को दिया किस तरह का ऑरेंज दिया अ जूसी तो हमें इसका आंसर मिल गया द वर्ड ऑनेस्ट और जूसी टेल वट काइंड ऑफ लीडर लाल बहादुर शास्त्री वॉज एंड वट काइंड ऑफ ऑरेंज इट वॉज क्लियर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसमें हमें क्वालिटी का पता चलेगा अब नेक्स्ट है क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब माप तोल नंबर जिसको हम बता सकते हैं कितना मतलब अब क्वालिटी और एक क्वालिटी uh, तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरह का क्वांटिटी में होता है कितना कितने रेशो में है कितने अमाउंट में वो थिंग है ठीक है तो इसमें हम हम बताएंगे कि कितने नंबर हो सकते हैं इसमें कितनी मतलब हम ये बता सकते हैं दे टेल्स हाउ मच क्वान्टिटी और हाउ मैनी नंबर्स ऑफ अनाउंस कितनी क्वान्टिटी और कितने नंबर हैं ठीक है दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी हाउ मच जब हम मैनी का क्वेश्चन आंसर देंगे तो वो नंबर्स में आएगा हाउ मच में नंबर नहीं आएगा जैसे मैंने कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा तो ये वर्ड्स क्या होंगे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी देखिए अब इसको हम करते हैं अब इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी में क्या आएगा और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या आएगा क्वांटिटी में आएगा कि थोड़ा कुछ ठीक है ना या फिर इसके अलावा वर्ड आ सकता है हमारा आ, बहुत ज़्यादा मच टू मच तो मतलब जिसको हम गिनते नहीं हैं जिसको हम सिर्फ़ नाप तोल मतलब पता कर लेते हैं ठीक है ना तो आई डोंट वॉन्ट एनी राइस मुझे राइस नहीं चाहिए ठीक है तो मैं ये तो नहीं बोल सकती मुझे वन राइस नहीं चाहिए मुझे टू राइस मुझे राइस नहीं चाहिए सम पीपल केम डेली टू दार्क कुछ लोग जो हैं वो पार्क में आते हैं कुछ लोग नंबर तो नहीं मुझे बताया कि कितने लोग ठीक है ना तो वर्ड जो होता है एनी समेल हाउ मच राइज इज नॉट नीडिड हाउ मैनी पीपल्स कम टू दी तो मच मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते मैनी को मतलब गिनने के लिए कुछ को हम गिन भी सकते हैं लेकिन चावल को हम एक चावल दो चावल नहीं कह सकते ना कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम गिन नहीं कर सकते तो उसके लिए हाउ मच वर्ड यूज़ होता है जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मेनी वर्ड्स यूज़ होता है अब ये सेंटेंसेस देखिए इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी और क्वालिटी बताना है सम पीपल हेट लाइज कुछ लोगों को झूठ से नफरत होती है कुछ तो ये क्या हो गया हमें क्वांटिटी बता रहा है ना ठीक है ना कितने हाउ मैनी पीपल तो सम पीपल आई सा अ वेरी फैट मैन मैंने एक बहुत मोटा आदमी देखा कितना मोटा हाउ मच वेरी तो उसकी उसके बारे में उसकी बताया कि किस तरह का देखा आई सा अ वेरी फैट मैन मैन कैसा था किस तरह का था फैट तो ये उसकी क्वालिटी बताई गई आदमी की क्वालिटी चिल्ड्रन लाइक स्वीट मैंगोज बच्चों को स्वीट मैंगो पसंद है कैसे मैंगो पसंद है स्वीट स्वीट मतलब उसकी क्वालिटी बताई गई है मदर टेरेसा कलेक्टेड मनी टू प्रोवाइड द शेल्टर टू पुअर एंड सिक पीपल मदर टेरेसा ने जो है मनी इकट्ठी करी टू प्रोवाइड शेल्टर शेल्टर मतलब सहारा देने के लिए किसको पुअर एंड सिख पीपल किस तरह के लोगों को तो इसमें पुअर और सिख जो है दैट इज एडजेक्टिव अब ये नीचे वाला देखिए द ब्लैक कपोड हैज़ मोर ड्रॉर एंड फ्यूर शेल्फ्स जितने भी बच्चों हमारे कलर्स नीम आ जाते हैं वो हमारे क्वालिटी में आते हैं ठीक है ठीके? तो काली जो कबड़ है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉर हैं एंड फ्यूअर सेल्फ और जो शेल्फ होती हैं वो बहुत कम हैं तो जहाँ कलर्स नीम आ जाए जहाँ पर आपको ये लगे कि इसका अपोजिट वर्ड बन सकता है वो हमारे सारे ये थोड़ा सा वो हिंट है कि जहाँ पर कलर्स नीम आ जाए और जहाँ पे आप किसी का अपोजिट बना सकते हो वर्ड ठीक है तो वो हमारे क्वालिटी में आते हैं ट्रेडिशनल पीपल डेकोरेट देयर डोर स्टेप विद ब्यूटिफुली रंगोली किस तरह के लोग ट्रेडिशनल लोग ट्रेडिशनल लोग क्या करते हैं अपने डोर स्टेप को घर के आगे किससे डेकोरेट करते हैं ब्यूटीफुल रंगोली रंगोली कैसी है ब्यूटीफुल तो इसमें एडजेक्टिव क्या हुआ हमारा ब्यूटीफुल नेक्स्ट देखिए द कैट ड्रिंक ऑल द फ्रेश मिल्क जो कैट है उसने सारे का सारा फ्रेश मिल्क जो है पी लिया ठीक है ऑल ऑल मतलब इसमें क्वांटिटी बताई गई है सारे का सारा दूध पी दिया ऑल मतलब क्वांटिटी ठीक है नेक्स्ट है मदर गेव मैनी ड्रेसेस टू शांति प्रिया मैनी मतलब बहुत सारी गिन सकते हैं हम इसको तो ये इसमें किस में आ गया क्वांटिटी में शांति प्रिया इज़ अ गुड गर्ल शांति प्रिया एक अच्छी लड़की है लड़की कैसी है वो अच्छी है तो ये उसकी होगी क्वालिटी ऑल द स्टूडेंट ड्रेस्ड वेल ऑल द स्टूडेंट ऑल मतलब सारे इसका मतलब क्या है इसको हम गिन सकते हैं तो जहाँ पे वर्ड एनी ऑल ये आ जाए इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया क्वान्टिटी ठीक है नाउ स्टूडेंट्स अब करेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर नंबर मतलब जिसमें हम गिन सकते हैं इसमें सारे हमारे ऑर्डिनल नंबर आते हैं ऑर्डिनल नंबर किसको बोलते हैं जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसको हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं और काउंटिंग आ सकती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये क्या हमारे काउंटिंग तो जहाँ पे जैसे पाँच किलो दस किलो दस टेन बॉयज फिफ्टीन पेपर्स इस तरह से जहाँ पे हमें नंबर्स पता चले उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर दे टेल टेल्स हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर ऑफ हाउ मैनी थिंग्स और पर्सनस आर और द ऑर्डर ऑफ विच दे आर या तो उनके पर्सनस के नंबर पता चलते हैं या फिर उनका ऑर्डर पता चलता है लाइक ही इज टूट फर्स्ट इन द क्लास मैंने आपको बोला ऑर्डिनल नंबर बताया ना कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से ये जो नंबर्स होते हैं इसको हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं तो ये हमारे नंबर्स में आते हैं जैसे शांति प्रिया मेज टू मिस्टेक इन द काप नोट कॉपी तो दो गलतियां करी तो फर्स्ट एंड टू ये हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्लियर बच्चों अब हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है जो हमें ये बताता है कि कोई पर्सन और थिंग्स मतलब हम पॉइंट आउट करते हैं जैसे दिस कैट दिस जब दिस दिस जहाँ पे वर्ड आ जाते हैं उसका मतलब वो डेमॉन्स्ट्रेटिव है इसको आपको चार वर्ड याद करने हैं दिस दैट दिस दोस जहां पर ये वर्ड आता है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है ठीक है लाइक दे आर द आंसर ऑफ क्वेश्चन विच दिस इज माई कजन ये मेरी कजन है ठीक है दीज गर्ल्स वॉन्ट द प्राइज इन लड़कियों ने प्राइज जीत लिया इसमें क्या होता है बच्चों नाउन से पहले दिस दैट दिज दोस्त लगा होता है अब नेक्स्ट देखिए दिस एंड दीज, दीज यूज़ फॉर द पर्सनल थिंग्स दैट आर नियर ठीक है जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उसके लिए हम दिस और दीज का लगा यूज़ करते हैं दिस मतलब जो एक चीज़ है यह है और दीज मतलब ये जो हमारे पास हैं उसके लिए हम दिस और दीज लगाते हैं और जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उसके लिए हम दैट और दोस्त लगाते हैं दैट हाउस विद अ गार्डन इन द फ्रंट ऑफ माई अंकल वो जो घर है विद अ गार्डन इन द फ्रंट इज ऑफ माई अंकल ठीक है जिसके आगे गार्डन है वो मेरे अंकल का है दोज बॉयज़ आर ऑफ क्लास थ्री वो बच्चे जो हैं क्लास थ्री के हैं नेक्स्ट दिस एंड आर यूज फॉर अ पर्सन और थिंग्स दैट आर अभी मैंने बोला आपको कि दिस और जो दो होते हैं जो हमारे से दूर होते हैं उसके लिए यूज उस होते हैं सच इज़ यूज फॉर कंपेरिजन ऑफ नाउन प्रोनाउन और द अदर नॉन प्रोनाउन ठीक है जो सच वर्ड होता है वो कंपेयर करता है कंपेरिजन ऑफ अ सच नाउन्स और प्रोनाउन टू अदर नाउन और प्रोनाउंस दिस दैट आर यूज फॉर सिंगुलर नाउन्स दिस दिज फॉर प्लूर मतलब इसके अंदर आपको तीन वर्ड्स फाइव वर्ड याद करने पड़ेंगे दिस दीज दैट दोज और सच जहाँ पर ये पाँच वर्ड आ जाते हैं इसका मतलब ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्लियर अब बच्चों हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंसेस लाइक देखिए वई है टॉफी टेन नंबर दिया आया तो ये हमारा क्या आ गया नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर दे हैव फाइव प्लेट्स फाइव नंबर आवर मदर डज नॉट लाइक सच डर्टी क्लोथ मैंने भी आपको बोला कि जहाँ पे दिस दैट दीज दोज और सच आ जाता है वो कौन सा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव तो ये इसके लिए हम सच जो का हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव मदर हैड ओनली फिफ्टी रुपीज़ इन हर पर्स तो फिफ्टी मैंने बोला था ना ऑर्डिनल नंबर जहाँ पे आ जाए वो भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है

I have seen such a beautiful rainbow. I have not seen such यानी कि demonstrative. Now student next है हमारा interrogative adjective. Interrogative adjective वो होता है जिसके अंदर हम question पूछते हैं जैसे what is your name, whose car is that, what is your which is your book जो what मतलब जो w से शुरू होते हैं जिसमें question पूछा जाता है उसको हम बोलते हैं interrogative. Now next है possessive. एडजेक्टिव पजेसिव का मतलब होता है जिसमें ऑनरशिप के बारे में बताया जाए जैसे मेरी किताब है ये उसकी बुक है ये उसका घर है ये हमारी चीज़ें मतलब पजेसिवनेस बताई जाए जैसे आई हैव हर्ट माई है मेरे को मेरे हाथ पर चोट लगी दिस इज़ माई पेन ये मेरा पेन है ठीक है अब जो हमारे पजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं इन वर्ड्स को याद कर लो माई योर हीज हर देयर आर्स इट्स जैसे माई बुक योर हाउस ठीक है ना योर हाउस हिज नोट बुक हेज सीट देयर हाउस आवर स्कूल इट्स टेल एक्सेट्रा ना बच्चों अब हम करेंगे अंडरलाइन द इंटेरोगेटिव जिसमें हमारा डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा और जहाँ पे आवर हिज इस तरह के वर्ड आएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा पजेसिव हु चेयर इज़ दिस इंटेरोगेटिव वॉट कलर इज योर टेबल क्योंकि क्वेश्चन वाला है तो इंटरोगेटिव आवर आंट विल कम टूमोरो क्या होगा हमारा पजेसिव दिज आर हिज शूज पजेसिव हूज पेंसिल इज दिस इंटरगेटिव माई टीचर हैज कम ये क्या आएगा हमारा पॉजसिव विच कार इज योर इंटरगेटिव चिल्ड्रन शिफ्टड देअर पेंटिंग पजेसिव विच ट्रेन गोज टू न्यू डेली इंटरोगेटिव शांति प्रिया प्रॉट हर अम्ब्रेला दैट इज जेसिव नाउ स्टूडेंट अंडरलाइन द एजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी क्वालिटी नंबर इन द गिवन ठीक है आई सा अ ड्राफ्ट इन द सर्कस ए आ गया इसका मतलब क्या ये हमें नंबर बताया गया है ठीक है शांति रिपिया कैरिड अ फ्यू थिंग्स इन हर बैग अ फ्यू यह आ गया हमारा नंबर बता दिया इसमें हर इसमें पजेसिव आ गया दे हर्ड अ वाइल्ड टाइगर्स रॉयल्स इट अंबर ठीक है एडजेक्टिव ऑफ नंबर आई सा थ्री बॉयज इन ऑफ माई क्लास थ्री बॉयज यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर माई क्लास मतलब एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव एजेक्टिव मंकीज लव टू ईट राइप एप्पल पके हुए फल यानि कि उसकी क्वालिटी बताई गई है तो ये होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मदर हैड सम मनी इन हर पर्स सम मतलब कुछ तो इसमें क्या एडजेक्टिव ऑफ

मैंने जो ऊपर आपको वर्ड बताया था उसमें माई आता है दैट प्रोजेसिव कैन यू सी दो स्नो कवर्ड माउंटेन दो डेमोन्स्ट्रेटिव विच डोर शेल आई क्लोज विच क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंटरोगेटिव विच टाइप ऑफ गर्ल आर यू इंटरोगेटिव देयर आर्ट हैज कम फ्रॉम जलंधर देयर प्रोजेसिव लुक एट दैट वर्ड दैट इज डेमानस्ट्रेटिव थैंक यू स्टूडेंट हैव ए नाइस डे